अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सुबैदा फ़ातिमा है, मेरे बेटे का नाम इम्मे नईम है, फहद बुलाते हैं उसको। ओ उन्होंने अच्छा, अंदर नमाज़ पढ़ते बैठे हुए थे तो वहाँ से बुला भी जाए, बार बार बुला रहे थे बच्चों को। मैं कुरान शरीफ पढ़ के उसका तर्जुमा सुना रही थी, सुनाते रहे तो बार बार बाहर बुला रहे, तो मैं बोली खय्यूम बुला रहे बोलते, मैं आवाज़ दी ना, नमाज़ पढ़ रहा बच्चा बोल के बोली, बोले तो भी बार बार बुला रहे थे। अब वो उनके कोई बड़े आए बोल के बोलते, पहले उनके वालिद साहब को बुला भी जाए, उन्होंने नहीं गए, उन्होंने खाना खा रहे थे, उन्होंने नहीं गए। उसके बाद फिर बच्चे को बुला भी जाए तो बच्चा ऐसा गया कि नहीं, कि निकाल के एकदम उनके वालिद साहब बात कर रहे हैं कहते, वो जो बच्चा हमारा खय्यूम यहाँ हमेशा गड़बड़ हंगामा पी के तमाशे करना रोड पे, उसका प्रोफेशन है, हमेशा से यही करता, वहाँ है अलजुबेल में है उसका घर, यहाँ पे नहीं है, घर यहाँ पे नहीं है, तभी यही फिरते रहता। पीले के आके छुरा, इतना बड़ा छुरा है, हम लोग चीखे बाहर गए, पूरे भाग गया, गया था, खून निकल रहा था, गले को मारने जा रहा था, कहते एकदम बच्चा हाथ बीच में ला लेने से हाथ पे पड़ा, ऐसा झुक गया, कहते जल्दी सेंड करे, सब करे, उन लोग आए, उन लोग आके सब देख लेके रिकॉर्डिंग कर लेके गए। हर दो दिन को ऐसा गाड़ी चलाता, मर जाना बच्चे यहाँ पे सामने भी, एकदम आके एकदम रोक के, परसों इतना की तमाशा मारम पीटी हो गई उन लोगों को, यहाँ पे दो मरतबा इतने लड़ाई यहाँ पे उसके तरफ से होते रहते घर में। पर आप सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, गुंडा है ना सिर का बहुत बढ़ गया है यहाँ पे हाशमाबाद में, बच्चे पूरे यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे बच्चियां रहते हैं, नहीं बैठना बोल के बार बार बोले, परसों दो दिन पहले भी बच्चा बोला कहते नहीं बैठना बोल के, बोले तो नहीं बैठना बोले तो वो बदमाशी दूसरे वो निकाल के खुसूमत निकाल के पीले के आके बच्चे को खाली बुला रहे बोल के खाली बुला रहे। मेरा इतना अच्छा दोस्त था, वैसा था, ऐसा ऐसे बातें कर रहा था जब से ठहर के यहाँ पे, बातें करके उसके बाद आके ऐसा मार के गया, गला काटने वाला था, उन्हें अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बुक करो उसके ऊपर, आइंदा फिर किसी को ऐसा बदमाशी नहीं करे, ऐसा हर रेक के साथ बदमाशी करता, ऐसा कैसा उसके माँ बाप छोड़ दिए कि नहीं मालूम है तो माँ बाप एहतियात से उसको एक जगह रखना ना, समझाना ना उसको, हो रहा नहीं वो कैसा कैसा क्या क्या कर रहे हैं नहीं मालूम है, वो केसेस को रफा दफा कर दे रहे, वो कर दे रहे, पैसा खिला रहे, पैसा बहुत है, पैसे की तरह से बच जा रहा, मगर बच्चा कितना खराब हो रहा नहीं सोच रहे कोई भी, उसकी जिंदगी खराब कर रहे। एक मरतबा जूता लेके मार के एक करे तो दूसरी मरतबा बच्चे का यह रिकॉर्ड भी नहीं होता, उन्हें ऐसा आवारा भी नहीं बनता, कल के दिन उनके नाम पे इतना बड़ा धब्बा भी नहीं लगा था। आज बच्चा जिंदा है मेरा, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुए तो क्या होता था, ऐसा कितने लोगों को मार देता, कि उन्हें आज बच गया तो उन्हें चार लोगों को और मारता। उसको सख्त सख्त सजा देना, उसको सही उसका इलाज होना, आज हर बार करता उन्हें ये महीने में अजब से यहाँ पे ठहरते हैं बच्चे बोल के, हर बार बोल रहे सिगरेट आप पी लेते, पी के आता रोड तमाम तमाशा करता, पूरा महिला गवाह है, आप किससे भी गवाही ले लो। कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि इस केस पे सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, बराए मेहरबानी, नहीं तो और दूसरे बच्चों का भी यही अंजाम होने वाला है, ये छोने वाला है, फिर आप एक को अगर नहीं करेंगे तो आइंदा बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे।